नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को लॉन्ग टाइम तक किस प्रकार चलाएंगे, लंबे समय तक किस प्रकार चलाएंगे। दोस्तों, काफ़ी फ्रेंड्स की यही दिक्कत होती है कि उनके मोबाइल के अंदर जो बैटरी बैकअप होता है वह लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाता है, उस स्थिति में उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर आपका भी जो मोबाइल है उसका बैटरी बैकअप लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग लाइफ नहीं चल पाता है, काफ़ी कम समय में ख़त्म हो जाता है, आपकी भी यही प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को काफ़ी लंबे समय तक चला पाएंगे, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला पाएंगे, वो सभी जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। उसी के साथ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कुछ नया सीख सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टेप्स समझा देता हूं, उसके बाद में मैं आपको मोबाइल पर चलकर उनको बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेप क्या काम आते हैं। तो फर्स्ट टाइम, अगर आपका मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है वह लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, तो आपको अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप के अंदर जाना होगा और वहां पर पावर सेवर को ऑन रखना है। आप थोड़े समय के लिए अगर पावर सेवर ऑन रख लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी बैटरी सेव हो जाएगी। आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको मैक्सिमम पावर सेवर को ऑन करना है, ताकि उस समय अगर आप कुछ चला नहीं रहे तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी लॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा बच जाए, तो इसको ऑप्शन को ऑन रखना है। फिर उसके बाद में अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका जो बैटरी बैकअप है, आपने नॉर्मल पावर सेविंग कर रखा है लेकिन आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा खत्म हो रहा है, कंजम्प्ट हो रहा है, उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, अपने मोबाइल में जाना है, एप्स पर जाना है। और काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी होती है जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, आप उनका कुछ उपयोग नहीं करते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वह बैकग्राउंड में चलती हैं, तो आपका जो बैटरी बैकअप है उसको ख़त्म करती रहती है। अगर आपके भी बैटरी बैकअप को ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलकर ख़त्म करती रहेगी तो आपका बैटरी बैकअप लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग लाइफ तक नहीं चल पाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पर जाना है, एप्स पर जाना है, और एप्स पर जाने के बाद दोस्तों आपको वहां पर जो बैकग्राउंड रनर है उसको स्टॉप कर देना है, उन एप्लीकेशनों में वहां पर परमिशन को डोंट अलाउ कर दें, ताकि वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में ना चले और आपके बैटरी बैकअप को खत्म ना करें। तो ये स्टेप आपको जरूर फॉलो करना चाहिए ताकि आपका बैटरी बैकअप बच सके। दूसरा स्टेप दोस्तों, अपने स्मार्टफोन में जाना चाहिए। अगर आपका स्मार्टफोन 120Hz के रिफ्रेश रेट को सर्च करता, सपोर्ट करता है, 90Hz को करता है, तो उसको कम से कम रखें, क्योंकि जो जितना ज्यादा आप वोल्टेज रखेंगे उसी हिसाब से आपका बैटरी बैकअप उतना ही ज्यादा खत्म होगा। तो इसको जितना कम करके आप चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर जब इसकी जरूरत पड़े तो आप बड़ा कर लें, अदरवाइज कम पर ही इसको चलाएं, तो आपका बैटरी बैकअप काफी लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा। और तीसरी बात दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर कभी भी जो स्क्रीन सेवर है, जो अपने स्मार्टफोन में वॉलपेपर होता है, लाइव वॉलपेपर आपको नहीं रखना चाहिए, 3D वॉलपेपर आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल सादा इमेज आपको अपने वॉलपेपर के तौर पर रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा 3D वॉलपेपर या कुछ ऐसे वॉलपेपर रखे हैं जो ऑटोमेटिकली रनिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उस स्थिति में आपके फ़ोन में वे घूमते रहेंगे, आप उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो आपका काफ़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप को ख़त्म करेंगे। तो इस चीज को भी आप स्टॉप करके रखें, अदरवाइज ऐसा नहीं रखेंगे तो आपका बैटरी बैकअप काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी विजार्ड ऐड करके रखते हैं स्क्रीन के तौर पर, तो ये आपको नहीं रखना चाहिए। जितने ज़्यादा विजार्ड आप अपनी स्क्रीन पर रखेंगे तो आपका स्मार्टफोन एक तो स्लो चलेगा, साथ ही उसका बैटरी बैकअप भी ज़्यादा खत्म होगा, तो इस स्टेप को आपको जरूर यूज़ करना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर, वैसे बात तो मैं कहीं बता चुका हूँ, लेकिन आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जाना होगा और अपने स्मार्टफोन में जो प्ले स्टोर होता है वहाँ पर ऑटो अपडेट को आप ऑफ रखें तो बेहतर रहेगा। इससे आपका इंटरनेट भी खत्म होता है और बैकग्राउंड में आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, तो उस स्थिति में आपका बैटरी बैकअप भी खत्म होता है। अगर आपका मोबाइल का बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है, तो उस स्थिति में आप इसे ऑन रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो
तो आप उसे ऑफ रखें तो बेहतर रहेगा। और दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन में काफ़ी ऐसे नेविगेशन ऑप्शंस होते हैं जो आपको स्टॉप रखना चाहिए। जब आप इंटरनेट का यूज़ करें तभी आपको इंटरनेट को ऑन रखना चाहिए, अदरवाइज आपका इंटरनेट भी खत्म होगा और साथ ही आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा खत्म होगा। तो इस स्टेप को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं यूज़ नहीं करते हैं नेविगेशन को, तो आपको अपने नेविगेशन को स्टॉप रखना चाहिए। अगर आप नेविगेशन को हमेशा ऑन रखते हैं, आप उसका यूज नहीं कर रहे तब भी आप उसे ऑन रखते हैं, तो आपका इंटरनेट जो मोबाइल है उसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा कंजम्प्ट होगा, काफी ज्यादा खत्म होगा। इस स्टेप को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, अपने मोबाइल में जो बैटरी बैकअप होता है, जो ब्लूटूथ होता है और व्हाट्सएप फोटो होता है, इन दोनों को भी आपको बंद रखना चाहिए। अगर आप इनको ऑन रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये जितने ज़्यादा ऑन रहेंगे उस समय आपका बैटरी बैकअप उतना ही ज़्यादा ख़त्म होता है। अगर जब आपका बैटरी बैकअप ज़्यादा बार ख़त्म होए तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आपके मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है वो खत्म हो रहा है तो उससे आप बचा जा सके। दोस्तों ये काफी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इन स्टेप का फॉलो जरूर करें, आपका बैटरी बैकअप काफी हद तक, काफी ज्यादा बार आपका बैटरी बैकअप सेव होगा। और दोस्तों आप अगर फेसबुक चलाते हैं तो कम समय का आप उसके अंदर वहाँ पर फोकस मोड को ऐड कर सकते हैं, फोकस मोड को ऑन कर सकते हैं कि मुझे यूट्यूब को एक घंटा देना है, फेसबुक को एक घंटा देना है। इससे आपका टाइम भी सेव होगा, साथ ही आपका बैटरी बैकअप, आपकी मनी सब कुछ सेव होगी। इस फीचर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं कि फोकस मोड क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर सर्च कर लें, हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर लिख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी सर्च करते हैं फोकस मोड बाय मेघराज गुजर, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। इन स्टेप्स को फॉलो करें, आपका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा सेव होगा, काफी ज्यादा बचत मिलेगी आपको अपने बैटरी बैकअप को सेव करने में। ये स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं ये काफी शानदार, काफी बढ़िया स्टेप है, एक बार आप इन स्टेप को जरूर फॉलो करें ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपकी मदद हो सके। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है उसको सेव करेंगे, आप अपने मोबाइल के बैटरी बैकअप को लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग लाइफ तक चलाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप जानना चाहते होंगे कि भैया आपने तो मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर बताया नहीं, अगर मैं मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूं और आपको बताता हूं तो उसमें काफी ज्यादा बैटरी बैकअप आपकी वीडियो खर्च होगी, टाइम बर्बाद होगा आपका। इसलिए मैंने आपको इतना ही यहां पर समझा दिया है। आप इन बातों को एक बार और शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को वॉच करें तो आपका पूरे सारे जितने भी डाउट थे वो सभी क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हमारी पिछली वाली वीडियोज जो हमारे चैनल पर डली हुई है उनको जरूर देखें, क्योंकि उनमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो चैनल पर सर्च करिए, उन वीडियोस को देखें, आपकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। हर वीडियो में आपको नया स्टेप, नया तरीका बताया गया है, मोबाइल स्क्रीन पर भी बताया है, स्टेप भी दिए हुए हैं, सब कुछ आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर देखें, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अभी तक दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।